गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर से हम नंबर सिस्टम के आगे के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि सीटेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 600 six tens and 6 ones को आपको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में नोट डाउन करना है, फिर बिकॉज इसके बीच में एडिशन का साइन है तो आपको इन सब नंबर्स को ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली आपको कहा गया है 600, तो 600 को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देंगे। आफ्टर दैन 6 tens को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देंगे। आफ्टर दैन 6 ones को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देंगे। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, बिकॉज इन सब के बिटवीन में ऐड का साइन है, तो आप सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे एंड में, ये आपका आ जाएगा 666। सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नाउ वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन कुछ ये है, 10,000 plus 10 hundreds plus 10 ones plus 10 ones आपका इन सब का सम क्या होगा। फर्स्टली आपका है 10,000 को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे 10,000। आफ्टर देन 10 hundred को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देंगे। आफ्टर देन 10 tens के लिए आपका ये वर्ड आ गया। आफ्टर देन 10 ones के लिए आपका 1 आ गया। 1000 के लिए, 100 के लिए, 10 के लिए और ones के लिए। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करके नंबर्स को फिर आप ऐड कर देंगे। 10 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ गया 10,000। आफ्टर देन 1000, आफ्टर देन 100, आफ्टर देन 10, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, सो आपका आंसर आ जाएगा 11,110। ओके स्टूडेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर 26,567। आपको एक नंबर गिवन है 26,567, इस नंबर में आप देख रहे हैं आपको 2 6 गिवन है। दोनों 6 की आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि आप उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फर्स्टली आप इस वाले नंबर की जब आप निकालेंगे प्लेस वैल्यू, सो आप देखेंगे 1 stands 100, ये आपका 1000 वाले प्लेस में आ रहा है, और ये वाला 6 सेकंड जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू है आपकी 60। अब आप इन दोनों के डिफरेंस कर दीजिए, मीन्स आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर कुछ ये आ जाएगा 5,940। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 4। Now we have started question number 4. So question number 4 is that if 692 plus 810 equal hai 1502 ke, then 69,200 plus 81,000 kiske equal hoga in dono ka addition. So jo aapko given hai answer, pehle aap given digits ka use karenge question number 4 mein, aapko given ye de rakha hai कि 692 and 810 इक्वल है आपके 1502 के, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि 69 ये आपका नंबर 81,000 के कितने एडिशन के इक्वल होगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 692 में इन्होंने दो जीरो ऐड कर दिए, एंड इसमें भी आपकी 810 में भी आपकी 20 को ऐड कर दिया है, ये 20 आपकी ऐड है। सो आप इन्हीं नंबर्स का यूज़ करेंगे। पहले आप 692 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये 100 से,
बिकॉज आपको टू जीरोज एक्स्ट्रा गिवन है एंड आफ्टर देन आप 810 के भी आप इसमें भी आपको 200 प्लेस आपको एक्स्ट्रा दिए हुए, तो आप इसके भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा ये आंसर 69,000 और ये आपका आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 81,000। नाउ आपको इन दोनों को आपको इन दोनों नंबर्स का एडिशन पूछा होगा, सो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे ऐड कर दीजिए, ये आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ गया 1,50,000 एंड 200। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5 और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन अ लैक, आपको ये बताना है कि 1 लाख में कितने हंड्रेड शामिल है। 1 लाख को अगर हम 100 के फॉर्म में लिखते हैं तो कितने हंड्रेड्स उसमें शामिल होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सो पहले आप सिंपली 1 लाख को लिखिए और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने हंड्रेड्स इन्वॉल्व है। अब इसमें से आप 100 को सेपरेट कर दीजिए और बाकी बचे डिजिट्स को, जीरोस को आप सेपरेट कर दीजिए। ये 100 है, अगर मैं इसको बाकी जीरोस के साथ मतलब 1000 के साथ लिखूं तो 100 तो हमें गिवन है कि कितने हंड्रेड्स इसमें इन्वॉल्व है आपके। हाउ मेनी हंड्रेड्स पूछा गया तो कितने हंड्रेड्स इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, ये आपका सिंपली बचे हुए डिजिट्स को आप लिख देंगे। बचा हुआ आपका 1000 है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हंड्रेड्स में 1000 इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर सिस्टम में आज के हम इन्हीं 5 क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम के ही आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, पहले नंबर सिस्टम को हम अच्छे से सीख लेंगे। और आपकी ये वीडियो यहीं तक की थी क्वेश्चंस, और नाउ हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।